गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीपाली एंड यू आर वाचिंग दीपाली फ्लेम्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप सब देख रहे हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है एंड समर सीजन में सबसे ज़्यादा हार्म हमारी स्किन हो जाती है, डल हो जाती है, ड्राई होने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी गर्मी में हमारी डल स्किन ग्लोई स्किन हो जाए, हेल्दी हो जाए, तो आज की वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ में डल स्किन को ग्लोई बनाने के लिए DIY एंड होम रेमेडीज के टिप्स आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा एंड लास्ट तक पूरी वीडियोस को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सबके साथ में इस तरीके की वीडियोज लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेमेडी नंबर वन, इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच कर्ड यानी कि दही। मैंने मार्केट वाला दही यूज़ करा, आप चाहो तो घर का जमा हुआ भी दही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लिया है 1 स्पून हनी एंड अब इन दोनों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा ये लिक्विडी फॉर्म में हमारी रेमेडी रेडी होने वाली है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। फेस को पहले मैंने वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी एंड जैसा कि मैंने बताया था, थोड़ा सा लिक्विड वाला है ये, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बट ये अप्लाई हो जाएगा। मैंने ब्रश से लगाया, आप चाहो तो हाथ से भी लगा सकते हो अपने पूरे फेस पे। कर्ड यानी कि दही नेचुरल क्लींजर एंड सनस्क्रीन की तरह काम करता है, हमारे चेहरे पे जितनी भी गंदगी होती है उसे रिमूव करता है, टैनिंग को रिमूव करता है एंड जो हनी है वो हमारी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोई बनाने में हेल्प करता है, मॉइस्चराइज करता है। फिर इसके बाद इस रेमेडी को लगा लेंगे और 2 सेकेंड के लिए अपनी फिंगर टिप से हमें मसाज करना है। मसाज करने से हमारे चेहरे की जितनी भी गंदगी होगी, डलनेस होगी, वो सब आसानी से रिमूव हो जाएगी। 10 से 15 मिनट के लिए हमें अपने फेस पे इसे लगा हुआ छोड़ देना है एंड उसके बाद हमें फेस को वॉश कर लेना है, ठंडे पानी के साथ में वॉश करेंगे एंड अब आप देख सकते हो चेहरा कितना शाइन है, ग्लो कर रहा है। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 1 बार अप्लाई कर सकते हो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे एंड हमारा जो चेहरा है, जो फेस है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी होगा। नेक्स्ट जो सेकेंड रेमेडी है, उसके लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हो। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया है, 1 चम्मच हनी लिया है। कोकोनट ऑयल और हनी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। कोकोनट ऑयल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को लाइट एंड ब्राइट करने में हेल्प करता है एंड हनी को मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ, हनी हमारे स्किन को हेल्दी एंड ग्लोई बनाने में हेल्प करता है। इन दोनों रेमेडी को मिक्स करने के बाद मैंने अपने फेस पे अप्लाई करा। अगेन मैं आपको बताती हूँ, फेस को वॉश करना ना भूलें एंड मैं आपको कंटिन्यू रेमेडीज अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने एक दिन में ये सारी रेमेडीज़ को अप्लाई करा है, मैंने हर एक स्टेप्स को अलग अलग दिन मैं अपने चेहरे पे अप्लाई करके इस वीडियो को शूट करा है। तो आप अपने माइंड में ये बिल्कुल भी मत लेना कि एक साथ इतनी सारी वीडियोज़ मैंने बना ली हैं। तो फिर इसके बाद मैंने हल्के हल्के हाथों से मसाज करा है, जहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स वगैरह वहाँ पे अच्छे से मसाज कर दी। मसाज करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसे अपने फेस पे रखना है एंड अगेन ठंडे पानी के साथ में हमें वॉश कर लेना है। क्लीन करने के बाद आप देखोगे चेहरे पे किस तरीके से शाइन आ जाएगी। एंड अब जो हमारा थर्ड रेमेडी है, उसके लिए मैंने लिया है 1 स्पून केसर यानी कि ग्राम फ्लोर एंड 1 स्पून लिया है हनी। थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें टर्मरिक एंड जो बेसन है वो हर तरह से हमारी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसे सॉल्व करता है, चेहरे में टैनिंग रिमूव करता है, फेस की जो स्किन हमारी जो लटकने लग जाती है, झुर्रियाँ हो जाती हैं, उसे टाइट एंड ब्राइट करने में हेल्प करता है। एंड अब इस पैक को भी अच्छे से रेडी मतलब मिक्स करने के बाद ब्रश की हेल्प से मैंने अपने फेस पे इसे अप्लाई कर लूँगी एंड अप्लाई करने के बाद आप देखोगे चेहरे का कितना अच्छा मतलब इसने वर्क करा है। ये रेमेडी बेस्ट रेमेडी है, आप कभी भी चाहो कैसे भी इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हो एंड हफ्ते में 1 बार रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करो अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो, क्योंकि जब कंटिन्यू कोई चीज़ हम अपने चेहरे पे या किसी भी तरीके से यूज़ करते हैं तभी वो अच्छे तरीके से हमारे स्किन पे हमारे चेहरे पे वर्क करता है। तो अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हफ्ते में 1 बार इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करें एंड अप्लाई करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमें अपने चेहरे पर लगा हुआ छोड़ देना है। फिर उसके बाद ठंडे पानी से हमें वॉश कर लेना है एंड अब आप ये
देख लो मेरा चेहरा कितना शाइन कर रहा है। आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड जो भी टिप्स मैंने आप सबके साथ में शेयर करे, इनमें से जो भी टिप्स आपको ईजी लगता है या फिर आपकी स्किन को जो भी सूट करता है आप उसे अप्लाई करना, और फिर उसके रिजल्ट आपको कैसे लगे, अच्छे लगे, बुरे लगे, या आपकी स्किन को सूट कर रहा है, कौन सा कर रहा है, वो सब मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप इनमें से कोई भी स्टेप्स मतलब फॉलो नहीं करना चाहते या फिर आपको नहीं लगता है कि आप ही आपकी स्किन को ये भी आपको ये टिप्स हैं ये सूट करने वाले, तो आपको सिंपल सा एक फंडा है, आपको सिर्फ एक एलोवेरा जेल की लीव लेनी है, वो भी ओरिजिनल एलोवेरा जेल की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपके घर में प्लांट है, वैसे तो आजकल मोस्टली हर घर में एलोवेरा जेल का प्लांट होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर ओरिजिनल वाले एलोवेरा जेल को बता रही हूँ। आपको एक लीव ले लेनी है, उसका एक आइस क्यूब के बराबर स्लाइस काट लेना है। कट करने के बाद उसे बीच से कट करके आप अपने पूरे फेस पे 2 मिनट के लिए अच्छे से रब करके और फिर हल्के हल्के अपने फिंगर टिप से मसाज करके उसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर ठंडे पानी के साथ में वॉश कर लीजिए। इसे तो आप कर सकते हो एंड रेगुलरली करोगे तो यकीन मानना जो एलोवेरा जेल है वो एक अकेला ही ऐसी रेमेडी है जिसे हमारी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, एंड इसके साथ हमें किसी और चीज़ की या फिर किसी और इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इस टिप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एवरीबॉडी।